बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास पर लगातार नवनिर्वाचित विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। 13 सिविल लाइंस पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास के बाहर से हमारे संवाददाता दुर्गेश भटनागर लाइव मौजूद हैं। दुर्गेश, इस वक्त क्या मूवमेंट्स वहां पर आप देख रहे हैं, कौन कौन से नवनिर्वाचित विधायक हैं जो वहां पर पहुंच चुके हैं? वसुंधरा राजे के सिविल लाइन मंदिर के बाहर खड़े हैं, आप गहमा गहमी देख सकती हैं किस तरीके की गहमा गहमी है। पूरा मीडिया का जमावड़ा जो है यहाँ लग चुका है। अब से कुछ देर पहले ही करीब करीब 2 दर्जन से ज्यादा जो विधायक हैं नवनिर्वाचित, तो वो वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंचे हैं। इसमें बड़े नामों की अगर बात करें तो कालीचरण सराफ, बाबू सिंह राठौड़, प्रेमचंद बेरवा, अभी अभी जितेंद्र गोठवाल पहुंचे हैं, रामस्वरूप लांबा, गोविंद रानीपुरिया, ललित मीणा, कंवरलाल मीणा, राधेश्याम बैरवा, कालूलाल मीणा, रामस्वरूप लांबा, हंसराज बलोती भी पहुंच चुके हैं। आपको बता दें वहीं विधायक जो है प्रताप सिंह सिंघवी, गोपीचंद मीणा भी आवास पर पहुंच चुके हैं। ऐसे करके करीब करीब 2 दर्जन से ज्यादा के नाम, करीब 26 नवनिर्वाचित जो विधायक हैं वो वसुंधरा के आवास में हैं, अंदर उनसे मुलाकात हो रही है। जी जी दुर्गेश, इनके क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि सत्ता भाजपा के हाथ में आ चुकी है, अब सीएम की रेस यहां पर लगी हुई है, कई नाम ऐसे हैं, आधा दर्जन नाम ऐसे हैं जो सीएम की रेस में आगे चल रहे हैं, तो ये क्या शक्ति प्रदर्शन इससे कहा जाए या फिर वेट करना चाहिए? देखिए, ये सीधे तौर पर कवायद जो है वो चेहरे को लेकर ही है भारतीय, और जिस तरीके से अभी तक जो चुनाव लड़ा गया वो मोदी के नाम पर, कमल के निशान पर ये चुनाव लड़ा गया, और पूर्ण बहुमत जो है 115 के साथ यहाँ पर बीजेपी को मिला है, तो ऐसे में अब चेहरा कौन होगा, ये एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न जो है अभी बना हुआ है। कई नाम है, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं कि करीब आधा दर्जन से ज्यादा अब नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन अब समिति की बैठक होगी कल, और उसके बाद जो नाम है उनके ऊपर चर्चा की जाएगी, और उसके बाद विधायक दल की बैठक के बाद जो है वो नाम तय होगा। लेकिन बड़े नामों में कई नाम जो है वो शुमार है। वसुंधरा राजे की दावेदारी जो है वो सबसे ज्यादा है, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी है, एक लंबा चौड़ा उनका एक्सपीरियंस है, तो ऐसे में सबसे प्रबल दावेदार जो है वसुंधरा राजे है। लेकिन उनके नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया था, वो चेहरा के तौर पर उनको नहीं रखा गया था, मोदी के नाम पर ये चुनाव में उतरी थी भाजपा, और जिस तरीके से है तो एक संशय की स्थिति जरूर बनती है। लेकिन जिस तरीके से जमावड़ा यहां पर हो रहा है, तो अंदर खाने की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर ये शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाएगा, और इसका क्या इंपैक्ट दिल्ली दरबार पर होगा, दिल्ली आलाकमान पर होगा, वो देखने वाली बात होगी। जी दुर्गेश, यहां पर 2 बातें सामने आती है कि अगर आलाकमान को तय करना है तो भी इस तरह की शक्ति प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, विधायक दल की मीटिंग में यह तय होना है कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, तब भी इस तरह के शक्ति प्रदर्शन की कोई जरूरत नहीं रह जाती है। बिल्कुल, शक्ति प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति है, कहीं कहीं इस सारी चीजों से ये सीधे तौर पर इंगित होता है कि कहीं कहीं नया कोई चेहरा हो सकता है, कोई चौंकाने वाला चेहरा हो सकता है, इसीलिए जो एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर आलाकमान को ये सीधे तौर पर मैसेज देने की बात हो सकती है कि चाहे दिल्ली में कुछ भी नामों पर चर्चा चले, लेकिन कहीं कहीं विधायकों का एक बड़ा धड़ा जो है वो वसुंधरा राजे के साथ है, ये मैसेज देने की शायद इस पूरी कवायद के पीछे कोशिश हो सकती है। अभी वसुंधरा राजे अंदर हैं, बातचीत कर रही हैं, लेकिन अभी वो मीडिया से मुखातिफ नहीं हुई है, उनका क्या वर्डिक्ट है वो देखने वाली बात होगी भारती। जी दुर्गेश, एक ये भी खबरें सामने आ रही है कि कुछ जैसे कि बाबा बालकनाथ हैं, प्रतापपुरी हैं जो पोखरण से जीते हैं, इसके अलावा भी जैसे ओम माथुर हो गए, इन सबको दिल्ली तलब किया गया है, तो इसे लेकर क्या लीड्स आपके पास में है, क्या इनपुट आपके पास है, इनके मायने क्या होंगे? देखिए भारती, इन सारे नामों की अगर हम बात करें तो कई नाम हैं, उनको गजेंद्र सिंह शेखावत को भी दिल्ली बुलाया गया है, अर्जुन राम मेघवाल वहां पर हैं, क्योंकि ये कोर टीम के सदस्य हैं ये लोग,
तो इनको बुलाना और अभी जिस तरीके से जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है उसको लेकर भी कई चीजें हैं, क्योंकि कई इम्पोर्टेंट जो विधायक हैं वो आने वाले हैं तो उनको लेकर भी चर्चा है। लेकिन अंदर खाने की हम बात करें तो बड़े बड़े नामों से चर्चा की जा रही है, किस तरीके का स्थिति जो है वो यहाँ बनी हुई है। बहुमत को लेकर अगर कहीं कोई विरोधाभास रहता है, मतभेद रहते हैं, उनको किस तरीके से डैमेज कंट्रोल किया जाए, उनका कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए, इन सारी चीजों पर भी चर्चा जो है वो है। उसके लिए जो लोगों को वहां पर बुलाया जा रहा है, बड़े नेताओं को वहां बुलाया जा रहा है, राजस्थान की जो कमान संभाल रहे थे चुनाव में उन लोगों से भी राय मशवरा किया जा रहा है। जी दुर्गेश, आपके पीछे काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या ये सिर्फ मीडिया कर्मी है या इसके अलावा भी कुछ लोग कार्यकर्ता समर्थक भी वहां पर है क्या? कैमरामैन से कहिए जरा वहां का नजारा दिखाएं 13 सिविल लाइंस के बाहर का। बिल्कुल, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार जरा थोड़ा सा यहाँ की जो गहमा गहमी है उसके ऊपर जरा आप कैमरा घुमाएं, किस तरह की ज्यादातर जो लोग हैं यहाँ पर मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, कार्यकर्ताओं का फिलहाल अभी जमावड़ा नहीं है क्योंकि ये अनौपचारिक जो मेल मुलाकात की स्थिति है, तो ऐसे में मीडिया जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा जो क्रू है वो मीडिया का क्रू है। भारती जी, दुर्गेश यहाँ पे बहुत ही एक दिलचस्प बात ये भी देखने को मिल रही है कि जिस तरफ आप खड़े हैं वो पूरी रोड लोगों से भरी है, गाड़ियों का जमावड़ा है, और उसके उलट जस्ट उसके ऑपोजिट जो रोड है वो बिल्कुल सुनसान दिखाई दे रही है अब। बिल्कुल, क्योंकि अब देखिए सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार भारतीय, अगर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की बात करें उसमें कोई है मुख्यमंत्री का तो वसुंधरा राजे है जी। और इसीलिए मीडिया का जमावड़ा भी यहाँ पर है, यहाँ की एक एक पल पल की खबर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कौन किससे मिल रहा है, वसुंधरा राजे जी जो वो किससे मुलाकात कर रही हैं, उसके क्या मायने हैं, किस तरीके से वो अपनी दावेदारी जो है वो आलाकमान के सामने रखना चाहती हैं, इन सारी चीजों को लेकर स्थिति। और जिस तरीके से विधायक जो नव निर्वाचित विधायक है उनका आना, सुबह जब हम बीजेपी कार्यालय में थे तो कई विधायक वहां पर भी पहुंचे हैं, नवनिर्वाचित विधायक हैं, लेकिन यहां पर आना कहीं कहीं इस बात का द्योतक है कि ये शक्ति प्रदर्शन से जोड़कर इसे देखा जा सकता है। वसुंधरा राजे जो हैं वो क्योंकि अगर टिकट बंटवारे की बात करें तो पहले लिस्ट को अगर हम छोड़ दें तो सब में वसुंधरा राजे के जो समर्थक लोग हैं उनको टिकट की जो लिस्ट आई थी उनमें दावेदारी मिली थी, और उनमें से कई लोग जीत कर आए हैं, ज़्यादातर लोग जीत कर आए हैं, तो ऐसे में दावा इनका प्रबलता से बनता है। लेकिन अब दिल्ली दरबार इसको लेकर क्या सोचता है, आलाकमान इसको लेकर क्या सोचता है, कोर कमेटी जो है केंद्रीय वो क्या कुछ सोचती है उसके ऊपर निर्णय किया जाएगा। मतभेद किस तरीके से हो सकते हैं, किस तरीके से विरोधाभास हो सकता है, इन सारी चीजों का भी डैमेज कंट्रोल करते हुए केंद्र में जो है वो बैठकों का दौर अब शुरू हो जाएगा। भारती, फैसला आलाकमान ले या पार्लियामेंट्री बोर्ड ले, ये तो तय माना जाए ना कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो हैं उन्हें दरकिनार करके कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है, उनके पक्ष में या तो फैसला आएगा या फिर जो भी फैसला लिया जाएगा उसमें उनका पक्ष जो है वो काफी हद तक डोमिनेंस करेगा। बिल्कुल भारतीय, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, वसुंधरा राजे को दरकिनार नहीं किया जा सकता है जी। और क्योंकि जो एक्सपीरियंस है और जिस तरीके की मास लीडर वसुंधरा राजे हैं उसको लेकर सीधे तौर पर आलाकमान उनको किसी भी कीमत पर दरकिनार नहीं किया जा कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी सहमति के बिना कोई बड़ा निर्णय आलाकमान करे ऐसा होगा भी नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ ही महीनों बाद जो है वो लोकसभा के चुनाव हैं, और लोकसभा में पिछली बार जिस तरीके से 25 सीटें आई थी, अब की बार भी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे, अमित शाह चाहेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चाहेंगे कि राजस्थान जो है वो 25 सीटें यहां से लोकसभा की दे, तो ऐसे में कोई मतभेद या इस तरीके की स्थिति जो है वो बीजेपी खड़ा करना नहीं चाहेंगी। और इसी को देखते हुए बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि वसुंधरा राजे की सहमति के बिना कोई फैसला हो ये शायद संभव ना हो। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने दुर्गेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर जो लगातार
13 सिविल लाइन्स यानी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास पर बने हुए हैं। जो कुछ वहां पर चल रहा है विस्तार से उसके बारे में जानकारी उन्होंने हमें दी। ये तो तय है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए कोई डिसीजन शीर्ष नेतृत्व लेने वाला है भाजपा में, लेकिन ये भी तय माना जाए कि वसुंधरा राजे को दरकिनार करके कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। या तो डिसीजन उनके पक्ष में आएगा या फिर जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसमें उनका पक्ष डोमिनेंस जरूर रखेगा।